हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 सीखने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को लेकर के, ये 2007 ही मैंने ओपन किया है और यहां से चलते हैं ब्लैंक डेटाबेस पर। सवाल है अर्चना तिवारी का, इन्होंने पूछा सर जिसमें मैंने प्राइमरी की सेट किया है उसमें न्यू दिख रहा है और इसमें मैं कुछ लिख भी नहीं पा रही हूं, आप जो आपने दिखाया है उसमें आप आसानी के साथ लिख पा रहे हैं तो मैं इसमें क्यों नहीं लिख पा रही हूँ, ये पूछ रही हैं। तो इस तरह की दिक्कत आपको भी आ रही हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं और यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बिगिनर्स को आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कुछ इस तरीके का आपको सिनेरियो मिलेगा, यहाँ पर न्यू दिखेगा। अब यहां पर जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पर आपको सेट करना होगा डेटा टाइप। कैसे सेट करेंगे, क्या तरीका है, आइए आपको बता देता हूं। ये सिर्फ मैं बताऊंगा कि कैसे डेटा टाइप सेट करके इसमें आप फील्ड नेम एंटर करवा सकते हैं, सिर्फ इतना ही बताऊंगा। देखिए यहां से जाएंगे व्यू पर, ठीक है। व्यू पे जाने के बाद आपको जाना है डिजाइन व्यू पर। जैसे डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो ये ओपन होता है, यहां पर आप टेबल का नाम सेट कर सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं स्टूडेंट की टेबल तो यहां पर लिख दीजिए स्टूडेंट ही, यानी स्टूडेंट की टेबल। अब यहां पर आप जो भी करना है कर सकते हैं। ये प्राइमरी की है तो स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, तो यहां पर सिंपल वे में लिख दीजिएगा स्टूडेंट का रोल नंबर। तो ये लिख दिया रोल और फिर लिख दिया नंबर। अब यहां पे ऑटो नंबर है तो खुद से नंबर देता चला जाएगा। ये जो डेटा टाइप है इसको अगर आप चेंज करते हैं, लाइक यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं तो आप टेक्स्ट और नंबर दोनों ही लिख सकते हैं। मेमो तो कर ही नहीं सकते, मेमो नहीं करना है आपको, नंबर कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, ऑटो नंबर रखेंगे तो क्या होगा, ये ऑटो नंबर रख दिया हमने। और यहां से चलते हैं, यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ये कुछ इस तरीके से लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो ये लिख दिया। यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप रखना है कि आप एंटर कर पा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ये डेटा एंटर हो पा रहा है। और अगर मैं आगे भी नाम देता हूं, लाइक यहां पर लिख दिया गौरव, फिर यहां लिख दिया सीमा, अलग अलग नाम मैं दे रहा हूं, देख सकते हैं। और यहां पर ऑटो नंबर आता चला जा रहा है। डेटा टाइप आपको डिसाइड करना होगा, डायरेक्टली आप नहीं काम कर सकते, ऐसे आप नहीं काम कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई और फील्ड डालना चाहते हैं, लाइक यहां पे डालना चाहते हैं नंबर का फील्ड या कोई और फील्ड जैसे एड्रेस का फील्ड डालना चाहते हैं तो यहां पर एड्रेस डाल दिया। और यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है टेक्स्ट, ठीक है। आप मेमो भी ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेमो लेंगे तो क्या फायदा होगा, ये देखिए मेमो ले लिया। अब मेमो जैसे ही लिया तो यहां पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया न्यू कॉलोनी देवरिया, ये डाल दिया एड्रेस, ठीक है। यहां पर अलग जो स्टूडेंट है उनका एड्रेस आएगा, तो ये देखिए इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे। ये लिख दिया राघव नगर देवरिया, ठीक है, ये लिखा राघव नगर और फिर लिखा देवरिया, कुछ इस तरीके से ये करेंगे हम, ठीक है। फिर यहां पर कुछ और डाल देता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं साकेत नगर, साकेत नगर, ठीक है। इसी तरीके से आपको यह करना है, उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही में कोई सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।